गाइस, आज हम जिस वीडियो पे रिव्यू करने जा रहे हैं वो है एआर रहमान की एना सोना फुल सॉन्ग। लाइक ये इन्होंने गाना गाया है आईफा अवार्ड्स में, तो आज हम देखते हैं ये वीडियो। इनका गाना बहुत मशहूर सिंगर है एआर रहमान, नो डाउट हम सब जानते हैं कि कौन है। सुपर डुपर हिट गाने दिए इन्होंने, देखते हैं आज ये कैसा गाना गा रहे हैं और वी आर बिग फैन ऑफ हिम। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बस मैं फैन नहीं हूँ सिर्फ, चलो मैं फैन हूँ, मैं मानता हूँ मैं फैन हूँ यार रहमान का, और देखते हैं। चलो यार स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा चैनल, और हम अपना ट्राई कर रहे हैं कि हम जितना आपका फीडबैक हो सके उस हिसाब से वीडियोस बनाएं। तो जो गाने आपको अच्छे लगें, जो वीडियो आपको अच्छा लगे, जो आप चाहें कि हम उस पर रिव्यू दें, तो आप हमें ज़रूर मेंशन करें और हम आपके फीडबैक का इंतज़ार करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू और देखते हैं इन्होंने कैसा गाया है। ओके, लेट्स जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ सेकेंड। जिस बंदी ने जो डांस किया है, ये जो बंदी स्टेज पे डांस करी है, कमाल का डांस। तो ये तुम आखिर में भी बोल सकते हो? नहीं, मैं अभी भाई मुझसे सबर नहीं हुआ, मैं अभी इस बंदी को अप्रिशिएट करना चाहता था, क्योंकि इंडिया में सिंगिंग टैलेंट तो है, हम सब मानते हैं, दुनिया मानती है, बट डांस टैलेंट जो इंडिया में है वो आउट क्लास, बहुत कमाल का डांस। और जिस तरह से ये बंदी स्टेज पे डांस कर रही है इस गाने के साथ, लिरिक्स के साथ, बहुत कमाल की, बहुत कमाल। और उसके अलावा ओवरऑल जो इसकी अपीयरेंस है और जो स्टेज इन्होंने बनाया इस अवार्ड्स के लिए, वो भी बड़ी कमाल। हर साल ये लोग जो इस तरह के अवार्ड्स करते हैं और जो इनकी प्रेजेंटेशन होती है, आउट क्लास होती है। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन अगेन। वाह, सोना की रब ने बनाया,
वाह कमाल यार, कमाल कमाल, हैट्स ऑफ टू एआर रहमान, कमाल का कंपोजर है यार ये बंदा। जितना इस बंदे को जितना आप अप्रिशिएट करेगा, मैं सुपर डुपर हिट गाने कुन फैकुन और इसके अलावा भी बहुत ज़बरदस्त गाने इस बंदे ने बनाए, तो इस बंदे को लिटरली नो वर्ड्स फॉर हिम। मैं तो देखें फ़ैन हो गया, पहले मैं इसका फ़ैन नहीं था, मैंने इसको ज़्यादा सुना भी नहीं था, लेकिन मैंने दो ही गाने सुने, कुन फैकुन और एक ये जो इसने अभी गाया इतना सोना। लेकिन ये है कि कुछ कुछ सिंगर्स होते हैं जो यानी कि मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, लेकिन ये मॉडिफिकेशन नहीं करता बिल्कुल, इसकी अपने कंपोज किए हुए गाने आउट क्लास गाने निकले। और मुझे पहली बार इनका इनके बारे में, एआर रहमान के बारे में, मेरे टीचर ने बताया था जो कि नेपाल से हैं, तो उसके बाद से मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ यार ये बंदा तो वाकई, इस बंदे ने बहुत ज़बरदस्त गाने कंपोज किए। और उसके बाद से मैं तकरीबन इसके हर गाने, हर गाना फॉलो करता हूँ, इसकी हर चीज़ फॉलो करता हूँ। और ये हमारा रिव्यू था इस बारे में, और अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपके पास फौरन के फौरन पहुँचे, और हमें अप्रिशिएट करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कि हम कौन सी नई वीडियोज़ जिन पर हम रिएक्शन दे सकते हैं।